नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 की महा कवरेज आप देख रहे हैं चुनाव को लेकर। और आज चौथे चरण की वोटिंग जारी है। यूपी में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में यूपी में 130 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और देश भर की अगर बात करें तो 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत देश भर के 96 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। शाम को 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच हम आपको बता दें, जो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें इटावा, कन्नौज, कानपुर, खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, हरदोई, मिश्रिक, शाहजहांपुर और सीतापुर में इस वक्त वोटिंग हो रही है। खास तौर पर अगर दिग्गजों की बात की जाए तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी आज किस्मत का फैसला हो जाएगा। अखिलेश यादव, अजय मिश्र टेनी, साक्षी महाराज, सुब्रत पाठक समेत कुल 130 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो चौथे चरण में कई दिग्गज हैं चुनावी मैदान में। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, जहां पर सुब्रत पाठक के साथ अखिलेश यादव की टक्कर है। और लखीमपुर खीरी की बात करें, अजय मिश्र टेनी मैदान में हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज मैदान में हैं और साक्षी महाराज की अनु टंडन के साथ टक्कर है। धौरहरा से रेखा वर्मा चुनावी मैदान में है। तो ये कुछ दिग्गज हमने आपको बताए जो कि चुनावी मैदान में है, आज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सुबह से ही वोटिंग चल रही है। अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह सवेरे ही मतदाता पहुंचना शुरू हो गए थे। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, लखीमपुर खीरी से उमेश श्रीवास्तव, मिश्रिक से अनिरुद्ध शुक्ला, अकबरपुर से ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बहराइच से अखिलेश कुमार, कन्नौज से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकेत मिश्रा का रुख करते हैं। संकेत, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप मतदान केंद्र पर, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं काफी उत्साहित है मतदाता। बिल्कुल, आज लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे कि मतदाता लाइन में है और जो मौसम है वो भी कहीं ना कहीं साथ है। लोकतंत्र की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ये बूथ है लखीमपुर खीरी का, धौरहरा लोकसभा का ये एक बूथ है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा सांसद हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं। रेखा वर्मा इस बार यही वो गांव है, यही बूथ है, यहीं पर मतदान करेंगी अभी कुछ देर में। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही पंक्तियों में लोग लग गए थे। वोटर उत्साहित है मतदान के लिए। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से तय समय पर शुरू हुआ। हर उम्र के लोग इस पंक्ति में आप देख सकते हैं, ये उत्साह है मतदान का। हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, मतदान के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किस तरह का देखते हैं? उत्साहित है, मौसम भी आज साफ है, मतदान करने आए हैं, मौसम भी आज सही है, मौसम सही है। ये पंक्ति आप देख सकते हैं दादा, क्या माहौल है, क्या मुद्दे आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है, मुद्दा तो बढ़िया है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि मतदाता पंक्तियों में लग गए हैं सुबह होते ही यहाँ मतदान के लिए। और जाहिर सी बात है, और अब तक जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी और ये तो मिड मई का महीना है, तो इस वक्त तो मौसम ऐसे भी बहुत ज्यादा साथ नहीं देता है। लेकिन अच्छी बात है कि इस आज के दिन कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर बारिश हो रही है, मौसम सुहावना हो रहा है। कन्नौज का हाल जान लेते हैं अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन, मौसम वहां पर कैसा है, क्योंकि मौसम पर बहुत ज्यादा वोटिंग डिपेंड कर रही है। इस बार हमने देखा है कि कई बार मौसम की मार की वजह से 3 चरणों में बहुत अच्छे मतदान नहीं हुए। आज किस तरह का मौसम और पीछे किस तरह की हलचल, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सुबह थोड़ा सा दिन निकलने में लेट लतीफ हुई, लेकिन अब सूरज पूरी तरह से निकल चुका है। और हालांकि ठंडी हवाएं हल्की हल्की चल रही है, लेकिन माना जा रहा है, जो मौसम विभाग का प्रशिक्षण है, कि 40 से 42 टेम्परेचर तब भी दोपहर में जाएगा। तो ऐसे में मैक्सिमम लोग सुबह ही वोट कास्ट करने पर यकीन कर रहे हैं। 5 बूथ हैं, एक बूथ की आप लंबी लाइन देखिए, फिर मैं आपको दूसरी बूथों की भी दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी जिले में कई जगहों से खबरें भी लगातार आ रही हैं, कहीं पर स्लो वोटिंग की, कहीं ईवीएम खराब की। खासतौर से कन्नौज जिले में बूथ नंबर 40
दिल्ली से खबर थी अभी थोड़ी देर पहले कि वहां जो है ईवीएम खराब था, 412 पर धीमा मतदान चल रहा था, लेकिन इन सबके बावजूद भी आप देखिए कि लंबी कतार, एक बूथ का मेरी तस्वीर दिखाई, इसी कॉलेज में दूसरा बूथ पीछे से है, दूसरी तस्वीर आप देखें। इसके अलावा जो है कुछ और ईवीएम खराब होने की शिकायत बूथ नंबर 42 से भी लगातार आ रही है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी इन तमाम चीजों को दुरुस्त कर लेगा, लाइन कम से कम हो जाएगी, साथ ही लोट मैक्सिमम लोग कास्ट करेंगे। मैं तीसरे बूथ पे चल रहा हूँ, कुल 5 बूथ इस स्कूल में, 2 बूथों की तस्वीर दिखाई जहां पर लाइन थी, आप तीसरे बूथ पर आ जाएं, तीसरे बूथ पे भी मुझे लंबी लाइन दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से इलेक्शन को लोग उत्साह की जहां तक बात है, तो ये तस्वीरें अपने आप में तमाम चीजों को बयां कर रही है कि लोगों के अंदर उत्साह कितना है। लेकिन लगातार जिस तरह से खबरें शहर के इलाके से और थोड़ा सा बाहरी जो इलाका है, चाहे रसूलाबाद विधानसभा हो, विधुना विधानसभा हो, वहां से जिस तरह से ईवीएम को लेकर के लगातार शिकायत आ रही है, तो वो जल्दी दुरुस्त हो जाए। लंबी कतार है अलाउद्दीन, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो सबसे पहले अपना सारा काम छोड़कर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी भी यही कहते नजर आए हैं कि पहले मतदान, फिर जलपान, फिर बाकी के काम आप अपने कीजिएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, 10 की 10 सीटें अभी तक तो आपके कब्जे में है, लेकिन कौन कौन सी वो सीटें आज आपको लग रही है जहां पर चुनौती मानकर चल रहे हैं? क्या कन्नौज एक चुनौती है? क्या कुछ ऐसी जगह आपको लगती है कि जहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ा मजबूती से उभर सकती है इस बार? जी, आपने मुझसे सवाल पूछा? जी जी आलोक जी। नहीं, मैं आलोक अवस्थी नहीं, मैं आनंद दुबे हूँ। माफ कीजिएगा आलोक जी, आप ही भारतीय जनता पार्टी? आनंद आनंद है हमारे साथ। हाँ आनंद जी, ये बताइए, 13 सीटों पर, मतलब शीनम यही पूछ रही है कि बहुत ऐसी यादव लैंड है, और यादव लैंड पर हमेशा से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया 2019 ने, लेकिन आपने बाजी मार ली, लेकिन कोई ऐसी सीट जिसपे लगता है बहुत ज्यादा चुनौती है आप लोगों के लिए? नहीं देखिए, आप 14 के नतीजे देखिए, 19 के नतीजे देखिए, दोनों नतीजों को आप देखिए। चलिए ठीक है, इस वक्त आनंद जी बस एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त खबर आ रही है, नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, विपक्ष पर हमला बोला है, विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही एजेंडा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय नहीं है, अगले साल में प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय होगा। ऐसे में आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी को आपको विपक्ष में वोट देना है? तो प्रधानमंत्री मोदी का धमाकेदार इंटरव्यू आप देख सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सारी बातें कही हैं, हमला बोला है विपक्ष पर, और उन्होंने कहा कि ना तो विपक्ष के पास नेता है और ना ही कोई एजेंडा है। पीएम ने कहा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री तय उम्मीदवार अब तक नहीं है, अगले साल में प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है। 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं? मैं कल भी बोला हूं जी, अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब करीब हिंदुस्तान के 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है, और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी, 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है, जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो जी, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा?